कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मोरे वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो PCS की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है, हर लोग पीछे हटते रहे। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं, तो क्या पत्नी क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं, अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो। देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं आगे का मन मति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे ही तैयारी करती थी आप BPSC का? शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने BPSC के लिए एग्जाम दिया? जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था BPSC। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही, और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी।